जुए की फड़ पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, दो एसआई सहित 8 पुलिसकर्मी घायल। यूपी के कौशाम्बी में पैंसा थाना क्षेत्र के घटमापुर के पास जुए की फड़ से गिरफ्तार आरोपियों को ले जाने के दौरान जुआरियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। मारपीट में थाना के एक एसआई, डायल 112 के एक एसआई व 8 सिपाही मामूली घायल हो गए हैं। आरोपियों ने कई पुलिसकर्मियों की वर्दी भी फाड़ दी। मौका पाकर 3 जुआरी भाग निकले। पुलिस ने एक नामजद सहित आधा दर्जन से अधिक आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के साथ मारपीट की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। एसपी, एएसपी व सिराथू सीओ ने मंजनपुर, सैनी, कड़ाधाम व पैंसा पुलिस के साथ फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रात में संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन एक भी फरार आरोपी नहीं मिला। घायल पुलिस वालों का सीएचसी सिराथू में मेडिकल व इलाज कराया गया। एएसपी समर बहादुर सिंह ने बताया कि कल जुआ खेले जाने की शिकायत मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की थी। पुलिस 4 लोगों को गिरफ्तार कर लेकर थाना जा रही थी। रास्ते में गिरफ्तार एक युवक के पिता ने बेटे को छुड़ाने के लिए पुलिस की गाड़ी के आगे अपनी कार खड़ी कर दी थी, जिसके बाद पुलिस से झड़प शुरू कर दी थी। इस दौरान पुलिस से मामूली मारपीट हुई थी। गिरफ्तार 3 युवक मौके से भाग निकले थे। एक युवक को पुलिस गिरफ्तार कर थाना ले गई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कर घटना की छानबीन शुरू कर दी है। सर, पैंसा थाना क्षेत्र पुलिस गई थी जुए के अड्डे जुआ पकड़ने के लिए, वहाँ पे कुछ विवाद है, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई हुई है? कल पैंसा थाना क्षेत्र में जुआ की सूचना थी, जिससे पुलिस मौके पे गई थी। कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ा था, वहाँ कुछ लोग उलझने का प्रयास किए और किसी एक लड़के को छुड़ाने के लिए व्यक्ति आए थे, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। उस चक्कर में 3 लोग वहाँ से भाग गए स्थल से और उस लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसके पास लोगों ने छुड़ाने और पुलिस से मुजम्मत करने का प्रयास किया, उनके खिलाफ भी मुकदमा करने के लिए से कार्रवाई की जाए। हाँ, ये किसी पार्टी के नेता हैं, बहुत हाई प्रोफाइल पार्टी नहीं है, जितना सत्ता दल का है ना, विपक्ष का है, कोई छोटी पार्टी है जिससे वो संबंध बताए जा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी की जा रही है और जो सत्ता योगी उसके बारे में।